हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है सभी का ट्रक डबर ब्लॉग से एक नए से वीडियो में। दोस्तों अभी शाम का 6 बज रहा है और आप सभी को हमारी तरफ से गुड इवनिंग। और भाई अभी माल मिल चुका है हमें लोडिंग करने के लिए। भाई मतलब 2 दिन लग गए तो रात भर पूरा लोडिंग होगा भाई माल, और कल मतलब सुबह यहाँ से निकलेंगे। तो दोस्तों अभी जाना है सिलवासा में माल लोडिंग करने के लिए। क्या माल मिला है, क्या नहीं, कितना भाड़ा लगा है, आपको पूरी डिटेल इस वीडियो में मिल जाएगी। तो भाई वीडियो के साथ बने रहेगा और ब्लॉग को दोस्तों लाइक करते रहिएगा। चलिए चलते हैं, यहाँ से निकलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों फाइनली अभी यहाँ से निकल गए लोडिंग के लिए। और भाई ये रहा वापिस GADC के अंदर का कुछ व्यू, और वो आप देख रहे हो पानी टंकी। तो भाई यहाँ से निकलते हैं जस्ट, और आपसे आगे मिलते हैं। भाई ताड़पत्र ही खरीदना है, देखते हैं कहाँ पे मिलता है जो अपना भूल गए थे। मतलब देख सकते हो आप, अंधेरा हो चुका है और आ गए हैं भाई। पापा गए हैं पीछे तिरपाल लाने के लिए, जो बिछाने वाला भाई भूल के वहाँ पे छोड़ के चले आए थे जहाँ पिछली बार माल खाली किए थे। तो भाई भाई पीछे में अभी खड़ी करके गाड़ी यहाँ पे गए हैं GADC के अंदर ही, वापिंग के अंदर अभी खड़े हैं हम। तो अभी आएंगे वहाँ से तिरपाल लेके, 400-500 रुपये का मिलेगा। तो देखते हैं भाई आगे, आपको जहाँ तक वीडियो बन सकता है भाई बनाऊँगा। तो ब्लॉग था दोस्तों, बने रहिएगा। भाई शाम ढलता हुआ यहाँ का कुछ ये रहा व्यू। भाई आप देख सकते हो कितनी गाड़ियाँ लगी हुई है और लाइट भी सब ऑन हो चुका है। भाई अभी टाइम हो चुका है आपका 6:30 हो चुका है। भाई थोड़ी लेट कर दिए पापा ट्रांसपोर्ट्स के ऑफिस से आने में। तो इस तरह का कुछ यहाँ का व्यू है भाई। वो भाई बहुत जाम लग चुकी है यार, और रोड पे भाई ना शाम के टाइम खड़ा करने का जगह भी नहीं है। आप सोच रहे होंगे भाई ताड़पत्री हम ले नहीं रहे, मतलब मिला ही नहीं, क्या करें भाई। आप रोड पे खड़ी करेंगे भाई पुलिस तुरंत पहुंच जाएगी और कर देगी फाइन। तो भाई एड़ का डेढ़ लग जाएगा, इसीलिए अभी तक ताड़पत्री नहीं खड़े हैं। देखते हैं भाई आगे टाइम मिलता है और भाई जगह खड़ी करने के लिए मिलता है तो। मतलब कि भाई ना जाम तो भयंकर लगी हुई थी पीछे, और बहुत देर बाद भाई यहाँ से छूटे। तो अभी भाई जा रहे हैं दादरा नगर हवेली के अंदर। भाई दादरा नगर हवेली में हमें जाना नहीं था, पहले ही चेक पॉइंट से पहले ही लेफ्ट मारना था, लेकिन अभी जा रहे हैं भाई डीजल डलवाने के लिए। यहाँ पे भाई 2 रुपये सस्ता मिलता है गुजरात से, तो वही दोस्तों डीजल डलवाते हैं आपके सामने, दिखाते हैं आपको कितना डीजल डलवाते हैं। दोस्तों वीडियो को दोस्तों लाइक करते रहेगा, हमारी रिक्वेस्ट है भाई। तो ये देखो भाई यहाँ पे मतलब डीजल डलवा रहे हैं पापा, मतलब डाल रहे हैं भाई। आपको दिखाता हूँ यहाँ का रेट, आप देख लो भाई, मतलब 96.28 रुपये भाई यहाँ पे डीजल का रेट है। और जो कि गुजरात में भाई ना 98 से 99 रुपये आपको डीजल मिलेगा, इतना महंगा हो गया भाई डीजल, क्या करें। अभी तो भाई देख सकते हो पापा भी डलवा रहे हैं डीजल, और उसके बाद दोस्तों यहाँ से निकल जाएँगे लोडिंग के लिए। देखते हैं भाई कब तक लोडिंग होती है गाड़ी। तो अभी रात का हो गया 8:30 भाई, और मतलब इतना मतलब यहाँ पे भाई आने में इतना जाम लगा था ना, इतना जाम लगा था ना भाई बोलो मत। तो यहाँ पे आए दोस्तों, 12,000 का भाई डीजल डलवाया जो आपने देखा हमारे वीडियो में। दोस्तों फाइनली यहाँ पे आए, यहाँ पे आने के बाद भी दोस्तों आधा घंटा लग गया एंट्री करवाने में। एंट्री करवाने के बाद दोस्तों अभी गए थे झाड़ू लाने, और भाई सब्जी वगैरह लाने के लिए आप लोग बोल रहे थे झाड़ू नहीं कर देते भाई। अभी ताड़पत्री भी नहीं खरीद पाए हैं क्योंकि भाई कंपनी बंद हो गई थी, ऊपर से भाई इतना जाम लग रहा था ना, गाड़ी खरीदने का मौका ही नहीं मिला। क्योंकि भाई हम लोग गाड़ी मतलब कंपनी से ही अपना जब भी तरपाल खरीदना होता है खरीद लेते हैं, लेकिन भाई अभी खोज रहे थे चारों तरफ, दूसरी जगह से भी मिल जाए तरपत्री ना लोग तो ले लेंगे, लेकिन भाई मिला नहीं। और मतलब रास्ते में रुकने का टाइम ही वक्त ही नहीं मिला। तो फिलहाल अभी क्या सीन है भाई देखते हैं। ये तो भाई सर्फ की कंपनी है, इस कंपनी का नाम है फेना लिमिटेड। तो सर्फ की कंपनी है भाई, जो सर्फ और साबुन बनाती है, जो कपड़ा धोने का होता है वही, जो अपना सिलवासा से पहले ही है, सिलवासा में ही फ़िलहाल ये दादरा नगर हवेली में आती है। और भाई फ़िलहाल इसको माल लोडिंग करने के लिए आ गए हैं, और गेट के पास भाई खड़े हैं एंट्री करवा के। और दोस्तों मार्केट से लेके आए हैं आज भाई मच्छी बनाने का, छोटी छोटी मच्छी भाई, छोटी छोटी आपको दिखाऊँगा भाई। फ़िलहाल अभी जा रहा हूँ डाला साफ़ करने के लिए, जो झाड़ू खरीद के लाया अभी, तो जा रहा हूँ भाई साफ़ करने के बाद, उसके बाद आपको दिखाता हूँ खाना बनाता हूँ दोस्तों, उसके बाद दोस्तों दिखाता हूँ और खाना बना के दिखाता हूँ आपको कैसा आज मस्त। मतलब भाई यहाँ पे आते हैं ना तो ये छोटी छोटी मछली अभी मिल जाती है, और खाने में भी बहुत अच्छा लगता है भाई ना, उसको बनाओ ना कुछ करो, डायरेक्ट उसको तेल में बना के मसाला डालो और अच्छा लगता है भाई खाने में। चलो फिलहाल आपको भाई कैमरे से कुछ यहाँ का व्यू दिखा देते हैं। भाई पूरा रात मतलब लोडिंग ही चलेगी, एक गाड़ी भाई लोडिंग हो रही है, वो भी वहीं की लोडिंग हो रही है। अब बात कर रहे हैं दोस्तों भाड़ा के बारे में, यहाँ पे भाई औरंगाबाद का भाड़ा क्या लगा है भाई, 28,000 रुपये लगा है भाड़ा, और भाई 12,000 का हो गया अपना डीजल। 12,000 में पहुँच पाएगी भी नहीं मालूम नहीं दोस्तों,
120 से 122 लीटर आया है डीजल, मालूम नहीं पहुँचेगी या नहीं पहुँचेगी, ये लोग आपके सामने तो देखी जाएगा दोस्तों। फिलहाल अभी 2800 रुपये भाड़ा लगाया, 12000 इसमें निकाल दीजिए तो आपको भाई आप अंदाज़ा लगा लीजिए कितना लगाया हमारा, मतलब कितना बचेगा उसमें दोस्तों। 2 से 3000 रुपये खर्चा आएगा वहाँ से औरंगाबाद तक जाने में हमें, तो उसके बाद दोस्तों आपको डिटेल मिल ही जाएगा। लेकिन फिलहाल दोस्तों भाड़ा 2800 लगा और डीजल भाई लगा 12000 रुपये, तो अभी देखते हैं पहुँचती है कि नई गाड़ी और कितना खर्चा लगता है आपके सामने सब कुछ भाई होगा। तो ब्लॉग का दोस्तों बने रहेगा और भाई लाइक करते रहेगा पूरा दोस्तों, रात भर यहाँ पे काम चलने वाला है। एक गाड़ी भाई वहीं की लोडिंग हो रही है औरंगाबाद जहाँ में माल लोडिंग करना है। फिलहाल वो दोस्तों हमारे से आगे निकल जाएगी और हम दोस्तों उससे पीछे जाएंगे, देखते हैं भाई हमारी गाड़ी पहुँचती है आगे या उनकी गाड़ी किसी गाड़ी भाई जल्दी आगे वहाँ पर पहुँच के खाली होती है। तो चलो देखते हैं कहाँ से रहता है भाई। इस कंपनी में बहुत बार आए हुए हैं और औरंगाबाद भाई एक बार गए हुए हैं माल खाली करने के लिए। आप बैक कैमरे से कुछ यहाँ का व्यू, ये रही भाई कंपनी फेना पे भाई, कॉपीराइट ना आ जाए, फेना प्राइवेट लिमिटेड भाई। यहाँ पे उधर गेट है, उधर से भी एंट्री करते हैं, इधर से भी एंट्री करते हैं भाई। तो इस तरह का कुछ यहाँ का व्यू है भाई। रात हो चुका है, पूरा रात भाई हमें मतलब काम ही करना है, जो लोडिंग करने का खाना वाना बनाएंगे सो जाएंगे, रात भर में लोडिंग कर देंगे, सुबह होते ही छोड़ देंगे हमें। तो यही भाई सीन रहता है हमेशा की तरह यहाँ पे। देखते हैं भाई ताड़पत्री के लिए क्या करते हैं, ताड़पत्री बिछाने वाला है नहीं और भाई साबुन और शैम्पू है मतलब सरफ है, तो बोलेंगे ही शायद क्या होता है, देखते हैं भाई आगे। चलो अभी डाला साफ करते हैं भाई जल्दी से। भाई आ गए हैं डाला के अंदर भाई, सलिया लोड करके आए थे आप लोगों को मालूम होगा। और भाई देखो वायर वायर तार और इसमें का गिरा हुआ है, अच्छी तरीके से भाई साफ कर लेते हैं इसको। एक तो भाई तार पुतरी नहीं है, ऊपर से बोलने लगेंगे भाई गंदा हो जाएगा तो उनका, तो आप देख सकते हो भाई बहुत धूल रहे हैं, बहुत धूल रहे हैं। तो भाई ये डाला वाला साफ हो गया है, ये देखो मच्छी भाई, ये देखो मतलब मिलता नहीं है भाई जल्दी, मतलब कहीं भी आप खोजोगे तो इसको भाई कुछ नहीं करना है, सब मसाला वसाला पका के सब्जी मतलब जो मसाला बनाते हैं वो पका के उसके बाद इसे डाल देना है। उसके बाद दोस्तों मैं दिखाऊंगा कैसा बनता है। इसमें भाई दोस्तों बैठाया हूँ पका हुआ चावल कुकर में बनने के लिए, तब तक भाई मसाला वसाला पापा वो अपना लहसुन प्याज छील रहे हैं। उसके बाद दोस्तों अपना देख लो, अपना मैं तो भाई कांदा वंदा काट दिया हूँ और भाई अब जा रहे हैं भाई मच्छी को बनाने। तो आप दोस्तों वीडियो को लाइक करते रहिएगा और वीडियो के साथ दोस्तों बने रहिएगा, आपको दिखाता हूँ दोस्तों कैसा बनता है अपना मच्छी आज का। तो देखते रहिए कुछ इस तरह का भाई मसाला मैं पका रहा हूँ भाई, चलाते रहो। हाथ जो दुख जाता है भाई सटने लगे जब ना, जब आपके अपने बर्तन में, तो तभी कुछ करना चाहिए भाई। इसमें मसाला डालेंगे, ऊपर से मसाला डालने के बाद उसको पानी डालेंगे, मसाला के बाद दोस्तों टमाटर डालेंगे, पानी डालेंगे और उसके बाद दोस्तों अपना मच्छी डालेंगे खौला देने के बाद। तो यही भाई सीन रहता है, देखते हैं आपको दिखाते हैं भाई। और देखो दोस्तों अपना टमाटर यहाँ पे डाल चुके हैं हम अभी, और टमाटर डालने के बाद दोस्तों कुछ इस तरह का इसको काट काट के भाई इसको पूरा मिक्स कर दे रहे हैं अपने मसाले के अंदर, कि मतलब एकदम मसाला टाइप का बन जाए भाई। दो टमाटर डाल दिए भाई इसमें, देखते हैं भाई क्या सीन रहता है कैसा बनता है मच्छी आज का। तो आप ब्लॉग से दोस्तों बने रहेगा, ब्लॉग को दोस्तों लाइक करते रहिएगा। तो भाई पूरा तरह चलाने के बाद इसमें डाल दिए हैं पानी और देख लो भाई इसका रस्सा जो है कैसा तैयार हो चुका है, और इसको दोस्तों खौलाने के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद दोस्तों डालेंगे इसमें मच्छी, तो आपको बताते हैं दोस्तों उस मच्छी कैसा बनता है और किस तरह का दिखता है भाई। बहुत मज़ा आता है खाने में, मतलब पिछली बार यहाँ पे आए थे लोडिंग करने के लिए ना तो बनाए थे, तो इस तरह से भाई मच्छी को डाल देते हैं खौलने के बाद दोस्तों पानी को, और मतलब जो रस्सा होता है वही। तो इसके बाद दोस्तों इसको मतलब खौलने देते हैं, और भाई वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, यहाँ पर खोलने देते हैं भाई इसको बाद, उसके बाद ये दोस्तों अपने आप सीज जाएगा, बन जाएगा। उसके बाद दोस्तों रोटी पकाएंगे, उसके बाद दोस्तों खाना यहाँ पे करेंगे, अभी बाहर ही सब खाना वाना करके चलेंगे अंदर। तो भाई अभी ना मतलब बना ही रहे थे तब तक अंदर बुला लिए कंपनी के अंदर, तो कंपनी के अंदर भाई बैठ के खाना करते हैं, उसके बाद दोस्तों आपसे मिलते हैं और बात करते हैं भाई। पहले तो आराम से खाना करते हैं, आपको बताते हैं भाई इसका टेस्ट कैसा दिखता है और कैसा लगता है भाई। तो ब्लॉग साथ दोस्तों बने रहिएगा और आपको बताते हैं भाई। रोटी और मच्छी और चावल क्या खाना है भाई, बहुत मज़ा आ रहा है भाई, मस्त लग रहा है खाने में भाई। हमें तो अच्छा लगता है, चिकन हो गया या मच्छी हो गया अच्छी तरीके से बनाओ तो भाई टेस्ट उसका अलग ही हो रहता है। तो चलो भाई खाना करते हैं, उसके बाद आपसे बात करते हैं क्या रहता है सीन।
तो खाना हो गया भाई, अभी देख लो भाई 11 बजने वाला है रात का, और अभी तक हमारी गाड़ी लोडिंग के लिए नहीं लगाए भाई। गाड़ी लोड हो रही थी हमारे से पहले, अब जा रहे हैं भाई लोडिंग पॉइंट पे लगाने के लिए, उसके बाद लोडिंग हो जाएगी। गाड़ी लग गई भाई हमारी लोडिंग के लिए, पीछे में आप देख सकते हो, और देखते हैं भाई कितने देर में भाई करके तो छोड़ते हैं भाई। और रात का हो गया है 12, आप देख सकते हो भाई 12 बज चुका है रात का, और अभी तक भाई गाड़ी हमारी लोड नहीं हुई है। मतलब एक घंटा लगा भाई, हमें लगा था कि पूरा रात हो जाएगा भाई लोडिंग करने के लिए, लेकिन भाई यहाँ पे मशीन के द्वारा लोड हो रहा है। मतलब लेबर लोग मशीन भाई ऊपर से चढ़ा दे रहा है, लेबर लोगों को कम मतलब मेहनत करना पड़ रहा है, वो केवल भाई उतार दे रहे हैं माल को। इसी तरह का कुछ सीन है यहाँ का, इसी मशीन से लोड कर रहे थे। अभी तो भाई पीछे में साबुन लोड कर रहे थे और सरफ लोड कर रहे थे इस मशीन के द्वारा बोरी में, दोस्तों उधर आप देख सकते हो उसके अंदर बोरी रखा गया है। तो भाई इसी मशीन के द्वारा मतलब जल्दी लोड कर दिए भाई। पहले आते थे तो हम लोग रात रात भर भाई लोडिंग करते थे, लेकिन लगता है भाई पहले ही हमें छोड़ देंगे यहाँ से। चलो भाई यार 12 बजते ही ना क्या हुआ कि नींद लगने लगी है ज़ोर से, तो भाई यहाँ से तो तारपत्री वगैरह बन के आधे घंटे में भाई लोडिंग हो जाएगी। तारपत्री बांध के भाई हम तो जाएंगे सो, क्योंकि भाई पापा नासिक घाट पार करके उसके बाद हम चलाते हैं महाराष्ट्र में। तो यही भाई सीन रहता है, और भाई बहुत नींद लग रही है भाई। खाना खाने के बाद ना मतलब पहली बार रात को लोडिंग करवा रहे हैं बहुत दिनों बाद, तो यही भाई सीन है। पहले तो भाई बहुत रात भर पूरा लोडिंग करते थे, लेकिन भाई यहाँ पे सिस्टम अच्छा हो गया है, एक दो घंटे में भाई कोई भी गाड़ी लोडिंग करके छोड़ दे रहे हैं, तो अच्छी बात है, कोई बात नहीं। चलो वो तो गई भाई, एक गाड़ी पहले से निकल गई है, और देखते हैं हम कब छूटते हैं यहाँ से और क्या रहता है सीन। तो ब्लॉग से दोस्तों बन रहिएगा, जितना दुख तो दिख पाएगा आपको दिखाने की कोशिश करूँगा, नहीं तो दोस्तों सुबह में दिखाऊँगा आप लोगों को। तो भाई वो यहाँ से रात को निकल गए भाई, अभी 1 बज चुका है रात का, और भाई यहाँ से निकल रहे हैं, देखते हैं भाई कहाँ तक पहुँचते हैं, कब तक पहुँचते हैं। अभी तो भाई बहुत ही नींद लग रही है और कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है, आप देख सकते हो। और भाई अभी दादा नगर वाली आप वो पार करके दिखाता हूँ, उसके बाद दोस्तों जहाँ तक मतलब उजाला दिखता है भाई आपको दिखाता हूँ, उसके बाद दोस्तों इस ब्लॉग को ख़त्म कर देंगे। आपको टाइम दिखाता हूँ, एक मिनट दोस्तों रुकिए, आपको रात का टाइम दिखाता हूँ कितना टाइम हो रहा है। 12 से हुआ मतलब 1 बज रहा है दोस्तों राइट, तो आप देख सकते हो। तो भाई यही दादरा नगर हवेली सिलवासा इधर से जाते हैं गेट के पास से मतलब, लेकिन भाई अभी रात में कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तो भाई दिखाई नहीं दे रहा है तो हम भी वीडियो को बंद कर देते हैं, और कल के ब्लॉग में आपसे मिलते हैं। दोस्तों इस ब्लॉग को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर हैं तो वैसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए कल के ब्लॉग में मिलते हैं, वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, दिल से भाई धन्यवाद। और ये रात भाई दादरा चेक पोस्ट पार कर रहे हैं हम अभी, देख लो DNR RTO लिख रहा है।